तो हेलो गाइस, आज हम लोग निकल रहे हैं हाट बाज़ार की ओर, जो कैलिम्पोंग में एक मार्केट है जो वेडनेसडे और सैटरडे को लगता है, जिससे कि आप जो नीचे बस्ती एरिया बोलते हैं या फिर विलेज में जहाँ पे सामान मिलता है ऑर्गेनिक और नेचुरल जो होता है, वो सभी वहाँ पे आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में मिलता है। तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं, सो उधर आपको चीप कपड़े मिलेंगे, एकदम चीप मतलब अच्छे कपड़े चीप प्राइस में मिलेंगे। तो हम दो भाई देखिए मेरे सामने जा रहा है, ये लोग तो आज वो लोग ये बाइक चल रहे हैं और मैं अपना कबीर सिंह वाला बाइक लेके जा रहा हूँ। तो वो चीप कपड़े लेने हम लोग जा रहे हैं। अगर हम लोग देरी कर देते हैं थोड़ा सा भी सुबह के टाइम तो नहीं मिलता है, अगर 9 बजे 10 बजे के बाद जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाता है उसका स्टॉक, इसीलिए हम लोग सुबह सुबह निकलते हैं। अरे यार आज तो वॉच भी भूल गया मैं, आई थिंक अभी लगभग हो रहा होगा ऐसे 8:30 ऐसा हो रहा होगा। अगर 9 बजे के बाद हम लोग पहुँचे तो बहुत कम मिलता है, क्योंकि वो सब ज़्यादा आदमी लोग उसी के ऊपर देखते हैं कि कब वो स्टॉक आए कि मैं पूरा खाली कर दूँ, क्योंकि ऐसा होता है थोड़े छोटे छोटे जो ब्रांडेड कपड़े वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं सुबह सुबह। तो सुबह सुबह लेने का वही फ़ायदा है, जल्दी जाएंगे तो फर्स्ट स्टॉक फर्स्ट मिलेगा सिलेक्शन करने में, और जो फर्स्ट रहेगा ऑब्वियसली उसी को अच्छी मिलेंगी। अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं हम लोग चुने हुए मिलते हैं या फिर हम लोग को फर्स्ट मिल जाता है। ऐसी बहुत सारी गली रहती है जिससे हम लोग बीच में नहीं लगा सकते, क्योंकि क्रॉस होना पड़ेगा ना बंदे लोग। तो
It's first time. देखो गाइस जैसे आया वैसे ही मिल गया कौन थी रिपोर्ट जी लेट्स सी कितने में मिलता है एक तो अच्छा वाला मिल गया मेरे को देखते हैं ट्राई करते हैं उसको ओके ठीक है सर हल्का फिकट फूट होता है बहुत ज़्यादा खोले कौन से देखियो ठीक है सर भीतर रहा मुझे सुधर रहा है मुझे पसंद आ गई तो साइज दूसरा दुकान है तारा होता है मैं ना तुम्हें जस्ट दूसरा ना अपने को मैं सब सस्तो दाममा राम्रो लुगा पाउन नि त अब दामी छ मजाको सफा खालको प्राइस उमाको होइन नि नदेख्ने खालको क्या यो मेरो हात अझै राम्रो छ त्यो भक्सिमा यो लाउनु न यो राम्रो छ त्यो यो कालो है यहाँतिर छोडेछ तँलाई तान्नु पर्छ उनको भी खोज दिया था मैंने दो तीन टल लेकिन तस्त ठूल देखे छेन तर ठीक यह ठीक लगे मैं तब अलि तो हो हेर त
शुगर बल उन जाए थे माउंटेन ट्रैक है ना, तो गाइस अभी माउंटेन ट्रैक भी आ जाएगा हम लोग, तो हम लोग जाएंगे माउंटेन ट्रैक भी लेंगे। तो ये राम भने टक्क दाको भिडियो भने सस्तो दिने आउँछ भक्कु दाएकोमा ट्रेक लाज भनेको त्यो आन्टीले भन्दै छ 550 रुपियाँ 500 500 के ऊ एउटा हराउला नि अर्काको हेलमेट पनि हो नि लिएर चल्दिला नि गाइस। बिटिएस ओन्ली बिटिएस ए सो मम्मी के लिए भी एक ट्रैक ले रहे हैं हम लोग, ये मम्मी के लिए एक ट्रैक और अपने तीन जैकेट मिला के देखते हैं अब कितना होता है राउंड फिगर करके। एउटा यो पनि गर्दिनु लोकेसन चाहिँ छ हाट बजारदेखिको तपाईँको यहाँबाट भित्र पस्नु, अब यहाँ ब्यागहरूको दोकान छ, ब्यागको दोकान चाहिँ अन्दर आने के लिए हो जाएगा। कुन 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 हेलो हेलो अँ भन न, म त अहिले बजारमा छु त, बजारमा छु, फर्किनु आँटेको घर, अब निक्लेको ए आउन अन्त ल ल आउन, म निक्लेको अब बजारबाट ल। होता है एक कपड़ों का ये जो होता है मार्केट वो एंड हो जाता है यहाँ से आपका, फिर मसाले वगैरह सब्जी फिश मार्केट ऐसा सब होता है यहाँ पे, फ्रूट है तो ये अभी ओहो उठा देते हैं पता को सब एक दिन भारी बीस होते हैं। सो गाइस यहाँ पे अभी क्या होता है कि बूढ़े लोग आज के दिन थोड़ा इनकम होता है बोल के वो लोग कैरी करते हैं वेट्स वगैरह सामान वगैरह कैरी करके ले जाते हैं, तो उनसे नहीं हो पाता है सुबह सुबह, पता नहीं खा के भी आते हैं यहाँ कुछ। सो गाइस मेरा इंतज़ार कर रहा है, अभी जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा, ये बच्चे ने रख दी सुबह सुबह जो कितनी घर की मम्मी होती है सारी मम्मी
वो घर का काम खत्म करके ही आती है। जो आसपास लोकल हैं और आजू बाजू में रहते हैं वो लोग तो सुबह सुबह कर लेंगे, क्योंकि काम भी हो जाएगा, लग रहा तो शॉपिंग भी हो जाता है। तो हम लोग की घर तो थोड़ा ऊपर है, तो मम्मी लोग अभी आएंगे शाम को 12 बजे, तो मम्मी लोग सब्जी वगैरह खरीदेंगे। तो अभी तो आने में पॉसिबल नहीं है क्योंकि घर के काम बहुत रहते हैं। हम लोग तो थोड़ा मोड़ा आए, मुँह हाथ धोया, रेडी हुए, निकल दे, लेकिन मम्मी लोग का ये नहीं रहता है। ये वही वाला सीन हो जाता है, क्योंकि इससे ना मैं अच्छे खासे राइडरों को शॉकिंग कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे कैसे चलती है भाई ये बाइक। दिखने में तो लगता है कि घूमेगा भी नहीं, घूमेगा न्यूट्रल में भी जाएगा नहीं जाएगा, पर थोड़ा डर लग गया है क्योंकि यहाँ पे रात को वॉश गिरते तो प्लस सैंड वगैरह उठते रहते तो पानी में लगने से जाम हो जाता है, सूख जाता है, तो थोड़ा डर्टी सा दिखता है। लेकिन इसको साफ करेंगे, अभी विंटर में थोड़ा मूड नहीं बनता है क्योंकि ठंडी पानी रहते हैं तो हाथ वगैरह बहुत सुन पड़ जाते हैं, चलाने वक्त तो ठंड पड़ जाते हैं, तो ठंडे पानी से धोते वक्त क्या होगा वो खुद ही समझ लीजिए। तो आज का ब्लॉग ज़्यादा ही लंबा होने वाला है शायद मेरे हिसाब से, तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब सब होगो सब कर दो, आपका प्यार मिलना चाहिए बस। और इसी तरह आप लोग का प्यार मिलता रहने से मैं और भी चीज़ें कलिम्पोंग के बारे में क्या है सब बताते जाऊंगा। ये कौन फ़ोन किया, हो आए 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 तो गाइस फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, तो मेरे को अभी प्रो राइडर बनना पड़ेगा। वो बम हो गया है, अभी देखिएगा मैं। ओ भाई साहब ऐसे मत निकला करो यार, अभी बम हो गया है सभी लोग दोस्तों, तो उसको जल्दी से मिलना पड़ेगा वरना वो बाजी वाला कर देगा दिमाग का। अरे यार मेरे रोड पे आ गया तो इधर से निकलना पड़ेगा। एक्चुअली ये इस साइड से निकलने देना नहीं चाहिए गाड़ियों को, क्योंकि यहाँ छोटा रास्ता रहता है, तो तुरंत अपोजिट डायरेक्शन से जो हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पर ट्रैफिक की पता नहीं क्या करते, उनको भी नीचे से गाड़ी आ रहा है देखना चाहिए ना। पिछली बार ऐसे ही एक एक्सीडेंट हो गया था मेरा, दूसरी रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रहा था, मैं इधर से गया, मैं तो अपने राइट पे ही था लेकिन उसका क्या किया वो तो उठाते ही चला गया। ये देखो ये है यहाँ पे हाल, बीच में ही गाड़ी रोक के मन मर्जी, जैसे कि उन्हीं का रोड हो। यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर का यही है। तो गाइस छोड़ो इन सब बातों को, हम लोग को फोकस करना है ऊपर, सो अभी हम लोग को ऊपर जाना है। ये पुलिस से हो भाई मेरे को नहीं रोकेंगे ये लोग, क्योंकि मैं फुल अप टू डेट रहता हूँ, ये बाइक का भी पूरा डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट है। देखने में लगेगा कि इसका कुछ पार्ट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन फुल्ली अप टू डेट है मैं भी बाइक भी। हेलमेट अगर ऑलवेज पहन के रहता हूँ मैं, तो कोई झमेला ही नहीं। आज मैं थोड़ा रफली चला रहा हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी पहुँचना है। मेरा दोस्त ही है सामने वाला, शायद वो वही हो मेरे हिसाब से, अगर होता है तो बढ़िया रहता है, देखते हैं कौन है। हाँ नहीं 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 है ये उसका है।
मुझे रैंडमली याद है ना कुछ हिंदी फिल्म मेरे साथ ही मरा हुआ था अभी ये भी जियो में काम कर रहे सो ये यार कॉलेज भी आना पड़ेगा आज तो बहुत कट वगैरह मारने पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज एक्टिव रहकर चलाना पड़ता है एक तो हर बार रनिंग आ जाता है और बंदे कहाँ से आते ना तो हॉर्न होता है ना इंडिकेटर अलग ही यहाँ पर क्रेज है तो खुद राइड में चलो अलर्ट चलो बस बाकी सब भगवान के ऊपर गाइस अभी हम घर पहुंचने ही वाले हैं तो जैसे ही घर पहुंचेंगे देखते हैं मेरे दोस्त का रिएक्शन उसको पता नहीं है कि मैंने GoPro लिया है तो देखते हैं वो इसका रिएक्शन कैसा होता है GoPro को देख के और इसी के साथ ये गाड़ी ने मेरा गाड़ी कहाँ से थक गया ये देखिए दोस्तों मेरा घर पे ऐसा धूल वगैरह उठते रहते तो पता ही चले देखिए इंतज़ार कर रहा है वेटिंग लिस्ट पे है मेरा यो अंशम तो गाइस ये सुबह में ये पबजी का काफ़ी प्रो प्लेयर है जो कि मेरा बहुत ही देरी से इंतज़ार कर रहा है सो भाई आया है यहाँ पे मेरे पास हेयर कट करने के लिए तो अभी आप ठीक है नुच ड्यूटी अब राइडर हो त्यस्तै अब हेलो